इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा कि जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं और इस टेक्निक को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जीन क्लोनिंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है? जीन यानी डीएनए का एक सेगमेंट जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। एंड क्लोनिंग का मीनिंग हुआ कि हम मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो जीन क्लोनिंग वर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए हम जीन क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक जीन की मल्टीपल कॉपीज हम लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक का यूज़ करके। और इस तरह के मेथड को जहाँ पर हम जीन की जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए हम पीसीआर मेथड अगर यूज़ करते हैं तो इस तरह की टेक्निक को सेल फ्री जीन क्लोनिंग मेथड बोलते हैं। और अगर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए किसी होस्ट सेल का यूज़ करते हैं जैसे कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरियल सेल या यूकैरियोटिक सेल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि हम जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल यूज़ करते हैं तो इस तरह के मेथड को सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड बोलते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। जीन क्लोनिंग के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीन क्लोनिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इंसुलिन प्रोटीन का कि इंसुलिन प्रोटीन के मल्टीपल इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम जीन क्लोनिंग मेथड यूज करते हैं। इंसुलिन जीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इंसुलिन जीन से इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये इंसुलिन प्रोटीन एज अ ड्रग या एज अ थेरेपी यूज की जाती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं इनकी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और इंसुलिन का काम होता है जो हमारे सेल्स होते हैं इन सेल्स में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंसुलिन की वजह से होता है। अगर बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो उस तरह के पेशेंट्स में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जिस वजह से ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। तो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए इस तरह के पेशेंट्स को इंसुलिन दिया जाता है। तो कैसे इंसुलिन इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर पाती है? तो इंसुलिन के जीन को पहले क्लोन किया जाता है। इंसुलिन के जीन को क्लोन करने के लिए इंसुलिन के जीन से जब प्रोटीन एक्सप्रेस होती है क्योंकि जीन अल्टीमेटली एक्सप्रेस होकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो जब जीन को हम क्लोन कर देते हैं किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होने के बाद जीन से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस प्रोटीन को हम आइसोलेट कर लेते हैं और एज अ ड्रग या फिर फर्दर किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए ये प्रोटीन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये इंसुलिन के जीन को हम क्लोन कर पाते हैं और कैसे इसको हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर पाते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जीन क्लोनिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हम प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल जिसके भी जीन को हम मल्टीपल अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस सेल से हम जीनोम को आइसोलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ यूकैरियोटिक सेल ले लेते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल से पहले हम जीनोम को या फिर डीएनए को आइसोलेट करते हैं। सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसको हमने यूकैरियोटिक सेल से आइसोलेट किया। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आप यहाँ मान सकते हैं सपोज ये इंसुलिन का जीन है ये सेगमेंट। तो हमें इस इंसुलिन के जीन को क्लोन करना है। क्लोन करने के लिए पहले हमें इस जीन को इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आइसोलेट करना होगा, क्लीव करना होगा। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के साथ इंक्यूबेट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर रिकग्नाइज करते हैं और वहाँ कट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि जब हम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के साथ जब हम इंक्यूबेट करते हैं तो जिस वजह से इस डीएनए के हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पर रिकग्नाइज किया जिसकी वजह से हमें और कट प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले। अब सपोज इन फ्रेगमेंट्स में हमारा एक फ्रेगमेंट, एक जीन वो है जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस जीन को हम क्लोन करना चाहते हैं। उसके बाद ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वेक्टर मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करते हैं। वेक्टर मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने का काम करते हैं।
यहाँ इसका क्या मीनिंग हुआ, ये वेक्टर मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज अ व्हीकल काम करते हैं. एज अ व्हीकल का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में, होस्ट सेल हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ बैक्टीरियल सेल ले लेते हैं, मतलब ईकोलाई सेल, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें ईकोलाई सेल में ट्रांसफ़र करना है. तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम वेक्टर मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, वेक्टर मॉलिक्यूल जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. मतलब आप ये मान सकते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है. इस वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करते हैं और लाइगेट करने के बाद ये वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ ही जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है. तो क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, इसलिए वेक्टर मॉलिक्यूल को एज अ व्हीकल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है. यहाँ पर प्लाज्मिड जो कि ई कोलाई सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स या फिर बैक्टीरियोफाज जीनोम जैसे लैम्डा बैक्टीरियोफाज, इनको एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किया जाता है. तो हम वेक्टर को लेते हैं, वेक्टर को भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे हमने डीएनए क्लीव किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूल से वेक्टर को क्लीव करते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी वजह से वेक्टर में भी कट प्रोड्यूस होता है. आप मान सकते हैं इस तरह से वेक्टर में वेक्टर क्लीव हो जाता है. देन इसके बाद हम यहाँ से इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लेते हैं और यहाँ से ये क्लीव्ड वेक्टर लेते हैं और इसके बाद हम इनको मिक्स करते हैं एक ट्यूब में. ट्यूब में मिक्स करने के बाद इस ट्यूब में हम डीएनए लाइगेज ऐड करते हैं. डीएनए लाइगेज ये एक एंजाइम होता है जो कि फ्रेगमेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स को वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ लाइगेट करने का काम करता है. तो आप यहाँ मान सकते हैं ये हमारा वेक्टर मॉलिक्यूल है जिसके साथ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस तरह से लाइगेट हो जाता है. तो यहाँ पर ये वेक्टर मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो जाता है. कुछ वेक्टर मॉलिक्यूल में यहाँ पर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ वेक्टर मॉलिक्यूल्स में जो डीएनए के जो दूसरे फ्रेगमेंट्स है हो सकता है ये भी लाइगेट हुए हों. तो ये सब पूरा प्रोसेस, ये जो भी चल रहा होता है ये सब ट्यूब में चल रहा होता है. इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स ट्यूब होती हैं वो हम यूज़ करते हैं. उसमें हम वेक्टर को रखने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐड करते हैं. देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट प्रोड्यूस किया होगा. देन वहाँ से हम वेक्टर, जो क्लीव्ड वेक्टर होते हैं, उन क्लीव्ड वेक्टर को लेते हैं और अपने जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको लेकर अगेन एक न्यू एक्सपेरिमेंटल ट्यूब में मिक्स करते हैं. देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये वेक्टर के साथ लाइगेट हो चुके होंगे. उसके बाद इस लाइगेटेड मॉलिक्यूल को, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि वेक्टर का डीएनए है और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. तो यहाँ ये दो तरह के डीएनए मॉलिक्यूल ने मिलकर एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म किया, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहलाता है. नेक्स्ट स्टेप होता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना. अब यहाँ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके लिए हम बैक्टीरियल सेल, यहाँ पर स्पेशल टाइप की कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल यूज़ किए जाते हैं, जिसके लिए हम बैक्टीरियल सेल को लेते हैं. बैक्टीरियल सेल के साथ CaCl2 ऐड करते हैं, वेक्टर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन बैक्टीरियल सेल को हम हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं. हीट शॉक ट्रीटमेंट का मतलब कि बैक्टीरियल सेल को बहुत कम टाइम के लिए हम हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन थोड़ा लूज होती है और जिस वजह से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन से होते हुए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल में, मतलब होस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो चुका होता है. यहाँ बैक्टीरियल सेल के अलावा हम ये ट्रांसफ़र प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल या प्लांट सेल में भी परफॉर्म कर सकते हैं. ईस्ट सेल या प्लांट सेल जिसमें भी हम ये क्लोनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, किसी भी तरह की सेल में हम ये क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ मान सकते हैं बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए है जिसमें हमारा, अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल
ट्रांसफर हो चुका है, मतलब वेक्टर प्लस हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम यहाँ इंसुलिन के जीन की बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर हम दो यहाँ पर खास प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होते हैं, मतलब ये अपने आप में रेप्लिकेट कर सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स, और इसमें एक स्पेशल जीन पाया जाता है जिसको हम सेलेक्शन मार्कर कहते हैं। सेलेक्शन मार्कर का क्या रोल रहता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होते हैं, मतलब ये अपने आप में रेप्लिकेट कर सकते हैं होस्ट सेल के जो अदर एंजाइम्स होते हैं उनका यूज करके। तो जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल डिवीजन होता है, बैक्टीरियल सेल के डिवीजन के साथ साथ जो इसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, जिसकी वजह से इसके मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसुलिन के जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होती रहती हैं। देन उसके बाद इन बैक्टीरियल सेल्स को हम अगार प्लेट पर ग्रो करते हैं। अगार प्लेट, यहाँ पर ये अगार प्लेट जिसमें कोई एंटीबायोटिक मिक्स्ड रहता है। अगार प्लेट, अगार एक न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिससे कि जो बैक्टीरिया, जब हम इनको अगार प्लेट पर ग्रो करेंगे तो बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करने के लिए अगार प्लेट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होते हैं और ग्रो करते हैं। तो यहाँ अगार प्लेट पर जब हम बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ वही कॉलोनीज ग्रो हों जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, जिस बैक्टीरियल कॉलोनीज में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो, सिर्फ वही इस प्लेट पर ग्रो करें। जो कंटामिनेशन बैक्टीरिया हो सकता है या वो बैक्टीरियल मॉलिक्यूल जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हो वो यहाँ ग्रो ना करें। तो ये यहाँ पर ये सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि इस अगार प्लेट में एंटीबायोटिक है, और ये जो हमारा वेक्टर मॉलिक्यूल होता है इसमें एक जीन पाया जाता है जिसको हम सेलेक्शन मार्कर कहते हैं। सेलेक्शन मार्कर मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर लैग्जी सेलेक्शन मार्कर पाए जाते हैं वेक्टर मॉलिक्यूल्स में। हम यहाँ एग्जांपल के तौर पर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की अगर बात करें तो सपोज इस वेक्टर में एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, तो सपोज इस वेक्टर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी ये वेक्टर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और अगर इस अगार प्लेट में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, यहाँ पर ये जो एंटीबायोटिक है ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो यहाँ सिर्फ वही बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कर पाएंगी जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये वेक्टर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ सभी वेक्टर से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, जिस वजह से इन बैक्टीरियल कॉलोनीज की ग्रोथ पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक जो कि अगार प्लेट में है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस सिलेक्शन मार्कर की वजह से, जो कि एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन कोई भी एंटीबायोटिक सिलेक्शन मार्कर हो सकता है, इनकी वजह से अगार प्लेट पर सिर्फ वही बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करती हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद जब यहाँ बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कर जाती हैं, इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को हम यहाँ से पिक करते हैं, और देन अगर यहाँ पर ये जो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये भी दो तरह के वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। अगर हम इस जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सिर्फ जीन लाइब्रेरी, सपोज हम जीन लाइब्रेरी सिंथेसिस करना चाहते हैं, तो जीन के हमें वहाँ मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो उस केस में हम क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। ये जो वेक्टर यूज़ करते हैं ये क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ क्लोन करेगा ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। और अगर हम इस जीन की, जैसे यहाँ हम इंसुलिन की प्रोटीन हमें चाहिए क्योंकि उस प्रोटीन को हम एज अ ड्रग या एज अ थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में हम एक्सप्रेशन वेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे नाम से ही पता चलता है एक्सप्रेशन, मतलब ये वेक्टर वो सब कंपोनेंट्स रखते हैं जो कि जीन के एक्सप्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के केस में अगर हम एक्सप्रेशन वेक्टर यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेशन वेक्टर के केस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होगा, और होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होने के बाद वो एक्सप्रेशन शो करेगा जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और उस प्रोटीन को हम एज अ ड्रग या फर्दर दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर जो क्लोनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे डीएनए लाइब्रेरी अगर हम बनाना चाहते हैं,
और एक्सप्रेशन वेक्टर, अगर हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्रोटीन चाहिए तो उस केस में हम एक्सप्रेशन वेक्टर चूज करते हैं। और ये लेग्जी सिलेक्शन मार्कर कैसे काम करता है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन, ऐसे ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस तरह से आप मान सकते हैं यहाँ पर इन जी जो बैक्टीरियल सेल हैं इसमें हमारा इंसुलिन का जीन मल्टीपल कॉपीज में है। इंसुलिन जीन को सपोज हमने अगर एक्सप्रेशन वेक्टर में क्लोन किया है तो इंसुलिन जीन से इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उस प्रोटीन को हम आइसोलेट करके एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से जीन क्लोनिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है। और जीन